यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना एक टेक्निकल पॉइंट। क्या हुआ हुआ क्या हुआ क्या? अरे अभी गाइज ऐसा लगा कि कोई एकदम प्लेन प्लेन सा भाई आ रहा था और वो आता आता टूट गया, जो भी हुआ है। तो यार गाइज आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं, हम करने वाले हैं बेसिकली। आज जो कलवा है, फ्रैंकलिन है, वो तो गया हुआ है नॉर्थ यंगटन किसी अपने बिजनेस वर्क से। तो कल उसने आपको आधा घर दिखा दिया, तो नताशा जी भी वहाँ पर रहने वाली, तो नताशा जी आज आपको दिखा देंगी पूरा घर। आयरन मैन के सूट्स वगैरह भी वहाँ पर अवेलेबल है, जो कि आने वाले टाइम में कलवा पहनने वाला है टोनी स्टार के। तो आज हम वहीं पर जा रहे हैं और ऑब्वियसली चलो। और नताशा जी जैसी गर्लफ्रेंड हर किसी के पास हो। आपने अगर हमें आरिश खान पर फॉलो करते हैं तो आपने वहाँ पर देखा होगा नताशा जी ने कलवे के लिए कार गिफ्ट लिए। चलो ये है हेलीकॉप्टर की पावर, देख पा रहे हैं आप, ये इसकी स्पीड है दोस्तों। नॉर्मल स्पीड में ऐसे चल रहा है। Now as you can see कितने की स्पीड होगी ये हेलीकॉप्टर, 200 प्लस जा सकता है। तो गाइज रियली में हम 200 प्लस लेकर जाएंगे इस हेलीकॉप्टर को, और 200 प्लस ही जाएगा भैया जी, चाहे जो हो जाए। चलो बेसिकली बादलों में मेरे ले जाने का कोई वो नहीं, 200 प्लस ही जा रहे हैं। देखो 215, 16, 17 इतने भी चलता है हेलीकॉप्टर, तो प्लेन थोड़ा तेज चलता है इससे, ये बात तो माननी पड़ेगी। हाँ बट हेलीकॉप्टर गाइस किसी से भी आप पूछ लेना इतना ही चलता है, हमारा चालान तो कटेगा नहीं। आरपीएम हमारा 9000 ही चल रहा है, सही है। हमें जाना है कितनी दूर है यहीं पे, तो उतारना है इसको 220 बस इसकी टॉप स्पीड आ चुकी है। जब ये रेड हो जाता है ना तब समझो इसकी टॉप स्पीड पे चल रहा है अभी अपनी, जब इसका मीटर रेड हो जाता है, समझ रहे हैं दोस्तों। और हेलीकॉप्टर को ज़्यादा ही हिलता है यार ये वाला, आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा है या फिर औरों के साथ भी होता है। स्पीड तो बिल्कुल कम हो गई, ऐसे स्पीड कम की जाती है हेलीकॉप्टर की, एक जगह पर ही ये उतर जाता है। ये सबसे अच्छी बात लगती है, प्लेन को भागने के लिए उतरने के लिए भागना चाहिए, रास्ता चाहिए, इसको नहीं चाहिए। ये रहा अपना घर, नताशा जी उतार रही हैं। नताशा इज़ अ वेरी गुड पायलट। ये सबको पता होना चाहिए नताशा जी बहुत अच्छी पायलट हैं और बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं। अभी देखते हैं नताशा जी अच्छे से उतार भी देंगे या नहीं। नहीं बेसिकली नताशा ने क्लासेस तो सारी ले रखी हैं। ये बैक लाना हेलीकॉप्टर को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हर किसी के बात नहीं होती है, बट नताशा जी ने ये भी कर दिखाया। अरे शिट 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 शिट, थोड़ा सा होता तो है ना यार, क्योंकि नताशा जी पहली बार इतनी ऐसी जगह पर हेलीकॉप्टर उतार रही है, हल्का वल्का सा लग गया तो क्या हो गया। पर बेचारी लेकर तो आई है ना, देखो यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर में लेकर आई है दोस्तों, और क्या चाहिए। हाँ बेचारी नताशा जी थक भी जाती हैं बट कोई बात नहीं, हेलीकॉप्टर में लेकर आई हैं गाइज आपको यहाँ तक। ये बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है एक लड़की के लिए जो कि इतना भयंकर कार्य कर रही है सबके लिए, मेरे को तो बहुत अच्छे लगा। और यही अपना वही डायनासोर है, आई डोंट नो टोनी स्टार्क ने ये डायनासोर की पिक्चर क्यों लगाई दोस्तों, बट मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो अगर यहाँ से मैं टपके जाऊँ तो यहाँ से एक रास्ता है जो कि है पूल एरिया, इसको पूल एरिया का नाम दे रखा है। तो ये पूल एरिया है, यहाँ पर नहाओ, ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई हैं और ये बेसिकली तौलिए हैं, ये कोई पैसे नहीं है। ओ भाई साहब पानी बहुत ठंडा है, निकल जाओ नताशा जी बाहर। चलो ये बिल्कुल बाहर से एंट्रेंस है इसके आने की जो मेन है, और ये अपना वही घर आ गया।
ओके, तो बहुत अच्छा है। तो बेसिकली हमारे फोन की वार्तालाप हो जाती है, बच जा। कोई बात नहीं, चलो अब दोस्तों बात करते हैं इस घर के इंटीरियर की। सबसे पहले देखो, जैसे अगर आपने मूवी देखी होगी, इस घर के अंदर जो है ब्लैक कलर का इंटीरियर का ज़्यादा यूज़ किया गया है। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों है, ब्लैक कलर का इंटीरियर ज़्यादा क्यों यूज़ किया गया है, आई डोंट नो। बट ब्लैक कलर का इंटीरियर का ज़्यादा यूज़ किया गया है, और घर की क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी अच्छी लग रही है फिलहाल तो मेरे को, बढ़िया। चलिए ऊपर वाले रूम्स में हम चलते हैं। तो ऊपर वाले रूम्स में वही अपना सामान वगैरह रखा है, वही अपना, जैसे कि मैंने कल भी आपको दिखा दिया था ये। और अगर हम यहाँ से बाहर जाएं, यहाँ पास में मिलिट्री बेस है ना, इसलिए बहुत सारे जेट्स वगैरह उड़ते रहते हैं। तो ये अपना वही है, स्विमिंग पूल है छोटा सा। इसका पानी तो ज़्यादातर गर्म ही रहता है क्योंकि धूप से, और ये समुंदर है। अगर कोई गिर जाए जैसे, कुछ होगा नहीं अगर तैरना। ओ शिट, नताशा जी गई। हाँ अगर तैरना आता होगा तो, नताशा जी तो चैंपियन है तैरने में भी, बहुत ही ज़्यादा। ज़्यादा भी गहरा नहीं है, ज़्यादा गहरा नहीं है हाँ, बट एक आम इंसान के लिए तो बहुत ही गहरा है, मानना तो पड़ेगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा। हम तो ड्रोन से उठ के बैठ जाते हैं यहाँ पर, ड्रोन उड़ा लाता है नताशा जी। कल वो ड्रोन ऐसे ही रख रखा है, ड्रोन ऐसा काम करता है कि सब कुछ वो ही करता है। चलो बढ़िया, अब हमें जाना है मेन बेसमेंट के अंदर, जहाँ पर सारे सूट्स वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत जनता ही कहती भाई वो दिखा रहे हैं। तो चलो फिर नीचे चल रहे हैं। नीचे बेसिकली सीक्रेट रूम है, हम ज़्यादातर लोगों को, हमारे अगर कोई मेहमान वगैरह भी आ रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं घर पर, नीचे जाने की इजाज़त जो है, मतलब जो भी है वो किसी को नहीं है, तो नीचे कोई भी नहीं जाता है अगर हमारे यहाँ पर कोई भी आ रहा है, ठीक है। बिकॉज़ नीचे वर्क एरिया, कल और मेरे का नताशा जी के अलावा नीचे कोई नहीं आ सकता है। ए लोगो यानी कि अवेंजर्स एंड दिस इज़ आयरन मैन फोटोग्राफ। आई होप कि आप देख रहे हो। कैसी लग रही है दोस्तों, भयंकर लग रही है ना एकदम, फोटो अच्छी लग रही है यार, एकदम अच्छी लग रही है। ये छोटी सी किचन, हाँ, जिसमें अभी बर्तन वर्तन धोने बाकी हैं, अभी मेड नहीं आया आज हमारी, नताशा जी तो धोती नहीं है बर्तन, ठीक है। एक कार के इंजन पे वर्क हो रहा है, वही कर रहा था, टोनी स्टार की कर रहा था कुछ ना कुछ। और ये हमारे तीन कार, चार कार्स हैं बेसिकली, एक तो यही है वही जो मूवी के अंदर दिखाई गई है गाड़ी, हमने कार्स भी वही रखी हैं यहाँ पर इस घर में, ठीक है। एक ये वाली कार है, इसके अलावा एक आ जाती है सुपर कार, ये भी अच्छी है, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों वाली गाड़ी, बहुत अच्छी है। आई थिंक ये फरारी, आई डोंट नो कौन सी गाड़ी है, आई डोंट नो फरारी है, पता नहीं कौन सी है। और एक ये आ जाती है, एक ये है, ये भी काफ़ी सुंदर है, भयंकर लग रही है। चलो और एक ये वही ऑडी R8, टोनी स्टार वाली ऑडी R8, देख पा रहे हो इंटीरियर, भयंकर लग रहा है। चलो और अपने यहाँ पर ये वही अपना, जैसे कि इंटरनेट और वाईफाई जितने भी यहाँ पर ब्रॉडबैंड वगैरह चल रहे हैं, सबकी डाटाबेस यहीं पर जो चलता है, एज यू कैन सी, जिसमें 1010 की कोडिंग चल रही है। और ये अपना एक छोटा सा जनरेटर है जो कि अंदर रख रखा है, क्योंकि बाहर बहुत बार चोरी होने के चांसेस बढ़े हैं। और अपना ये एक आयरन मैन का ये वाला सूट है, देखिए कैसा लग रहा है, एक अपना आयरन मैन का ये वाला सूट है, एक ये वाला सूट है टोनी स्टार्क का, और एक ये वाला सूट है, देख रहे, चार सूट है। और हमने और सूट्स जो हैं इस वॉल्ट के अंदर रख रखे हैं नीचे, जो कि कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हैं, जो कि स्पेशल वॉर में, लड़ाई में यूज़ किए जाएंगे वाले सूट हैं दोस्तों नीचे, जो कि हमने छुपा कर रख रखे हैं लोगों से। हम इस वॉल्ट में अगर आपको दिखाएं ले जाकर, तो एक यही है अपना, ये तो वॉर मशीन का पुराना वाला सूट है, ओके। एक ये वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी मेटल से बना हुआ। एक ये है, ये बेसिक जिसके पैरों में आग लगी हुई है, ये वाला सूट आपने रियलिटी में मूवी के अंदर भी नहीं देखा होगा, ये एक पर्सनल हमने पेंट जॉब करा रखा है इस वाले के ऊपर। और एक ये है, ये भी आपने मूवी में नहीं देखा होगा दोस्तों, ये वाला सूट, और ये तो देख रखा होगा आपने, ये तो लेटेस्ट मूवी में आया था। और एक कोई एलियन दुनिया से आया था एक बंदा, अभी उसके सूट के ऊपर जो एक रिसर्च की जा रही है, जो कि टोनी स्टार्क कर रहे थे, बट फिलहाल तो है नहीं वो यहाँ पर। ये देखिए इसके ऊपर जो है रिसर्च करी जा रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
कभी ना कभी तो होगा ना, ठीक। और ये हमारा सीक्रेट वॉल्ट है जो कि आज गाइज हमने रिवील कर दिया, बट प्लीज़ आप भी किसी को मत बताइएगा, हम तो बताते ही नहीं है किसी को इस चीज़ के बारे में। और अब कलवे के अभी आने का वेट टाइम हो रहा है, तो मेरे को फटाफट अपना हेलीकॉप्टर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं उसके अलावा नताशा जी भी नहीं आती हैं घर के अंदर, क्योंकि दोस्तों अभी टोनी स्टार का घर है, अभी पेमेंट वगैरह भी अभी बाकी है, तो पहले घर की पूरी पेमेंट हो जाए तभी हम थोड़े हक जमाते हुए अच्छे लगेंगे ना। अभी मैंने ब्लॉग व्लॉग बनाना तो स्टार्ट कर दिया इस घर का, बट मैंने कहा फिर भी कोई बात नहीं, खरीद तो लेंगे ही ना हम, ऐसा तो है नहीं कि हम खरीदेंगे नहीं भाई घर को, हम झूठ झूठ मजाक कर रहे हैं, मजाक कुछ नहीं कर रहे हैं, घर वाकई में हमें खरीदना है, ठीक है दोस्तों। तो यार मैं तो जा रहा हूँ, भैया कलवे को भी लेकर आना है, वरना कलवा बोलेगा अरे मेरे को छोड़कर चली गई नताशा। चलो हेलीकॉप्टर खड़ा करने का भी बेहतरीन स्टैंड है गाइस यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। चलो हाँ, बस ये पेड़ पौधे थोड़े से कटवाने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं, वो तो कट जाएंगे। तो चल रहे हैं हम लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। तो आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।